बिना पानी का एक्वेरियम सुना है क्या? नहीं ना, अजीब लगता है ना। हाँ, बट पानी एक्वेरियम में कितना इंपॉर्टेंट है ना? और कौन सा पानी? आज शायद ये वाटर केमिस्ट्री के बारे में, जो एक्वेरियम का वाटर केमिस्ट्री है, पहला वीडियो है, और इसके बाद 2-3 और वीडियो होंगे, ओके, जिसमें हम वाटर टेस्ट करेंगे, कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कैसा होना चाहिए ताकि एक्वेरियम के लिए करेक्ट हो। पहला चीज, डरना मत। वाटर केमिस्ट्री बोलते ही सब हालत टाइट। केमिस्ट्री हाँ डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, स्कूल में भी था, बट ये बात याद रखो, मेरे को जैसे समझ में आता है और बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा और आप समझ भी लेंगे, मजा भी आएगा, ओके, ये प्रॉमिस है मेरा। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक एक्वेरियम रखने से पहले ये जान ले कि हमारे पास कौन सा पानी आता है। सी, सबसे इजीएस्ट सोर्स जो है नल का पानी है, ठीक है, या बीएमसी से जो आता है या बोरवेल से आता है, लेकिन हमारे नल में आता है, वो सबसे इजी है, ठीक है, और हमें वो आई वोंट से फ्री बट बहुत कम दाम में मिल जाता है, ओके, और हम ये वाटर यूज करके हम अपना एक्वेरियम इजीली बना सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हमारा सोर्स वाटर क्या है, ठीक है। जैसे बॉम्बे का पानी बहुत सॉफ्ट है, बैंगलोर में कुछ एरियाज में बहुत हार्ड है, चेन्नई में बहुत हार्ड है, दिल्ली वगैरह में बहुत हार्ड है, लेकिन सॉफ्ट भी मिलता है, ओके। और ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर कॉम्प्लिकेटेड क्या है ये चीज, बार बार हम लोग भी बोलते हैं और बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन क्यों? तो आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, और कोई टेस्ट किट वेस्किट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो कॉस्ट, ओके। तो पहले ये समझते हैं कि कुदरती सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है, और कैसे बनता है, कहां से आता है, कैसे मिलता है, ये जानना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ज्यादातर पानी बारिश से आता है, ओके, बारिश का पानी सॉफ्ट है, और ये पानी जब जमीन में अंदर जाता है तो वो सॉल्ट्स कलेक्ट करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब सॉल्ट्स कलेक्ट करके उस जमीन में नीचे पानी रहता है। वो पानी जब हम निकालते हैं, बिकॉज एक्सेस सॉल्ट्स है, वो हार्ड बनता है। अभी बस पता कैसे चलेगा ये हार्ड है कि सॉफ्ट है? सिंपल मेथड्स, वेरी वेरी सिंपल मेथड्स, ओके। पहला चीज, अगर आप सॉफ्ट वाटर से सोप डाल के हाथ धोएंगे तो अच्छा झाग आएगा।
और अगर हार्ड वाटर से धोते हैं तो लेदरी होगा, जाग नहीं आएगा, बबल्स, जाग। दूसरा, हमारे नल में या बर्तनों में, कांच के ग्लासेस में स्पॉट्स रहेगा अगर हार्ड वाटर है, और अगर सॉफ्ट वाटर है तो वो नहीं रहेगा। yes. वो नहीं रहेगा। यस, एक्वेरियम में भी व्हाइट स्पॉट्स रहेगा, वो सॉल्ट डिपॉजिट बोलते हैं हम, वो सॉल्ट डिपॉजिट होता है तो स्पॉट्स आता है, वाटर हार्ड है। और अगर साफ है तो प्रॉब्लम नहीं है, वाटर सॉफ्ट है। तीसरा, हार्ड वाटर में जब कपड़े धोते हैं तो कपड़ा थोड़ा फीका हो जाता है, सॉफ्ट वाटर में नहीं होता। और वेरी इजी, जब हम नहाते हैं और बाल धोते हैं, सॉफ्ट वाटर में बाल सॉफ्ट हो जाता है, हार्ड वाटर में स्टिकी रहता है, ऑयली रहता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे पास हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है, ये सबसे सिंपल। हाँ, समझो किसी के यहां उतना भी हार्ड नहीं है, थोड़ा बहुत जाग आता है एंड प्रॉब्लम उतना नहीं है, तो ओके, यू नो कि हमारा पानी उतना हार्ड भी नहीं, सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने ये तो जान लिया कि हमारे पास हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है। अब इजी मेथड ये है कि हम उसके हिसाब से अपना एक्वेरियम बनाएं। कुदरत में ना ज्यादातर रिवर्स जो है सॉफ्ट वाटर होता है, रिवर समुंदर को मिलने का जगह ब्रैकिश वाटर बोलते हैं हम लोग, वो हार्ड रहता है, एंड ऑफ कोर्स समुंदर का पानी हार्ड ही है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगहों में, जैसे मैंने बोला, पानी बोरवेल से निकालते हैं, ठीक है, तो वो वाटर हार्डनेस ज्यादा रहेगा। तो हार्ड वाटर में अच्छा जीने वाले फिश हैं, कुछ फोटोज है देख लो, और सॉफ्ट वाटर में अच्छा जीने वाले फिश है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा एक्वेरियम बनाना चाहते हो। तो अभी आपके घर में हार्ड वाटर है तो आप गपीज रखो, बहुत कलरफुल मिलते हैं, या मोलीज रखो, ऑरेंज, ब्लैक, बहुत सुंदर फिश है, प्लैटीज, ये भी बहुत इजी है रखने के लिए, ये ऑफ कोर्स स्वॉर्ड फिश भी है, ये सब इजी टू ब्रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं, लाइट बेरर्स। हाँ, पैराडाइज फिश ब्यूटिफुल, कलरफुल, बहुत सुंदर, सेम गोरामी भी, ड्वार्फ गोरामीज है, ब्लू है या रेड है, एंड ऑफ कोर्स बेटा फिश या फाइटर फिश जो है सबसे कलरफुल, एंड सिक्लिड्स पूछो मत, इतने वैरायटी, इतने कलर्स। अभी ब्रैकिश वाटर है आपके घर में तो आर्चर फिश रख सकते हो, आर्चर फिश अगेन थोड़ा डिफिकल्ट है रखना, बट सीख सकते हो, ये पानी बाहर मार के खाना खाता है, स्कैट है, ये थोड़े बड़े होते हैं, संभाल के यूज करना, एंड ऑफ कोर्स मोनो एंजल जो है सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर, सेम बैटियर्स भी सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर में भी रह सकते हैं। अभी फ्रेश वाटर में पूछो मत, इतने सारे ऑप्शंस, जैसे कि ये गोल्डफिश है, इतने सारे कलर्स, वेराइटीज, टेट्राज में इतने सारे कलर्स, ऑप्शंस, छोटा बड़ा, वैरायटीज अगेन, राजबोराज,
या एंजल्स एंड डिस्कस ऑफ कोर्स और एंजल्स भी बहुत कलरफुल एंड बार्ब्स है, रेनबोज है, बहुत सारे ऑप्शंस है। ये फर्स्ट क्लैरिटी है। सेकेंड पॉइंट, नहीं मेरे को प्लांटेड एक्वेरियम ही बनाना है और ये भी जानता हूं कि मेरा जो लोकेशन में है पानी हार्ड है, तो क्या करें? ठीक है, ज्यादातर प्लांटेड एक्वेरियम्स हार्ड वाटर में उतना अच्छा नहीं आता है, हमें एक सॉफ्टनर की जरूरत पड़ती है। पानी को सॉफ्ट करना इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। हां एक्चुअली है, बिना खर्चे का पानी को सॉफ्ट करने का मेथड है, लेकिन टीडियस प्रोसेस, सरदर्द। इजी प्रोसेस है कि हम एक सॉफ्टनर यूनिट लगाएं और पानी सॉफ्ट करें। इसमें आप एडीए का एनए वाटर भी यूज कर सकते हो, बहुत सुंदर यूनिट है, कैटायन फिल्टर करके आता है, उसको एनए वाटर में डाल के आप यूज करो, पानी को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर सकते हो। इसका वीडियो भी है, देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सुंदर मशीन है। या बिस्लेरी का या कोई मिनरल वाटर खरीदे जो ऑलरेडी सॉफ्टेंड होता है और हम वो यूज करें। ठीक है, आप अभी भी सोच रहे हैं ना कि प्रोसेस है, बोला जीरो कॉस्ट बोला लेकिन प्रोसेस नहीं बताया। बताता हूं, अभी हार्ड वाटर में क्या होता है, बिकॉज कैल्शियम मैग्नीशियम ये जो मिनरल्स एक्सेस है, सॉल्ट्स एक्सेस है, ठीक है, प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज पानी में सॉल्ट ज्यादा है। ठीक है, एंड हार्डनेस ज्यादा होने के वजह से कभी कभी उसका एल्कलिनिटी भी ज्यादा हो सकता है, पीएच भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, एंड प्लांट्स ज्यादातर नेगेटिव पीएच में काम करते हैं, लोअर पीएच, एसिडिक वाटर, बिकॉज उनका जो ग्रोथ है एक रिवर सिस्टम में वैसा ही है, कुदरत का बनाया हुआ, आपका मेरा चॉइस नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं ये कुदरत का बनाया हुआ चीज है, कुदरत का रूल्स ही फॉलो करना है हमको। तो हार्ड वाटर में प्लांट्स नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, ग्रो करेंगे लेकिन बहुत मुश्किल से। दूसरा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि फर्टिलाइजर कैसे डाले, कितना डाले, कौन सा डाले, वाटर टेस्ट करो, चेक करो, ये सब आपको करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छा प्लांटेड एक्वेरियम चाहिए। ओके, तो अभी जैसे मैंने समझाया, सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं या कोई पानी खरीद के ला सकते हैं, बट याद रखो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं पानी को टेस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जानो कि पानी का प्रॉपर्टी क्या है, पानी का जो जो उसका है, जो क्वालिटी है क्या है। बिकॉज पानी अगर ठीक नहीं है तो एक्वेरियम कहां से ठीक होगा। ये शायद मैंने पहले भी बोला था, एक हॉबीस्ट दोस्त ने, मेरा मेंटर समझो, उन्होंने मेरे को समझाया था कि हम लोग एक्वेरियम नहीं रखते। ठीक है, हमारा जो भी जद्दोजहद है पानी को साफ रखने का है।
अगर पानी साफ है सब कुछ क्लियर है, पानी अच्छा है तो सब कुछ क्लियर है. सो पानी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एन एक्वेरियम. बिना पानी के या बिना अच्छे पानी के अच्छा एक्वेरियम बनना बहुत मुश्किल है. तो ये छोटे छोटे चीज, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, समझो पहले कि हमारे पास हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, उसके हिसाब से अपना एक्वेरियम प्लान करो, उसके हिसाब से अपना प्लांटिंग प्लान करो, उसके हिसाब से ग्रोथ प्लान करो. नाउ जो कुछ सीक्रेट्स, कुछ टिप्स, ठीक है, हमेशा बताता हूं. मोंटे कार्लो सॉफ्ट वाटर, लेकिन हेक्सी क्यूबा हार्ड वाटर. तो कारपेट भी बनेगा, अनुबियस पिनाटीफीडा, ये सब हार्ड वाटर में चलता है. पोगस्टमान ब्लिक्सा नहीं चलता है, सॉफ्ट वाटर चाहिए. क्रिप्टोकॉन्स हार्ड वाटर में चलेगा, कुछ वैरायटी के रोटालास वगैरह नहीं चलेगा. सो ये डिफरेंसेस है, अलग अलग प्लांट्स है. ये अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हार्ड वाटर प्लांट्स कौन से हैं, सॉफ्ट वाटर प्लांट्स कौन से, या हार्ड वाटर प्लांट्स नहीं बोल सकते, कौन से प्लांट्स है जो हार्ड वाटर में ग्रो होंगे और कौन से प्लांट्स है जो ज्यादातर सॉफ्ट वाटर में ग्रो करना पसंद करेंगे. फाइनली मैंने एक बात बोला था, याद है, कि घर में हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे बनाने का, उबालने से. पानी को उबालने से सॉफ्ट बनता है, लेकिन पूरा पानी उबालो फिर ठंडा करो, रूम टेम्परेचर में लाओ फिर यूज करो, कॉम्प्लिकेटेड. अगर पानी गर्म रह गया तो इधर सूप बनेगा. सो ये आइडियाज है, टेक्निक्स है. ओवरऑल आपको क्या जानना है कि भाई पानी हमारा प्लांटेड एक्वेरियम के लिए सॉफ्ट चाहिए. अगर हमारे घर में हार्ड वाटर है तो उसको सॉफ्ट कैसे करें, और अगर हमको हार्ड वाटर ही रखना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, तो उसके हिसाब से फिश कौन से, प्लांट्स कौन से, ये सब होमवर्क. ठीक है, तो आज कमेंट्स में आप ये लिखोगे, आप ये लिखोगे कि आपके घर में हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है. हां, आपका शहर का नाम भी लिखो, आप लिख दोगे माय हाउस हार्ड वाटर. मेरे को क्या मालूम आप किधर रहते हो भाई. आई लिव इन बैंगलोर, आई लिव इन दिल्ली, आई हैव सॉफ्ट वाटर. ठीक है, ओके, ये कमेंट्स में. तो आज हमने समझा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, सिंपल विदाउट टेस्ट किट कुछ नहीं, घर में कैसा पता चलता है हमको. ठीक है, ये देखा हमने. अगले वीडियो में या अगले दो वीडियो में पानी का टेस्टिंग, और फिर लास्ट में हार्ड वाटर में कौन से प्लांट्स अच्छा आएंगे, सॉफ्ट वाटर में कौन सा प्लांट्स अच्छा आएंगे. ये तीन पार्ट का वीडियो है, देखते रहो, मजा लेते रहो. एज ऑलवेज थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर. पानी को टेस्ट करना मत भूलना, ये पहला चीज है, बहुत जरूरी है. टेस्ट करते रहो. सॉफ्ट वाटर है तो मत भूलना कि क्लोरीन वगैरह ज्यादा हो सकता है, टेस्ट करते रहो. ओके, बाय.